राम राम बच्चों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कक्षा एक का वर्ग और वर्गमूल चैप्टर, जो कि आपका एक्सरसाइज दो है। एक्सरसाइज दो में आज भी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज दो वर्ग और वर्गमूल। आइए वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ेंगे। अच्छा, वर्ग है क्या? है ना, वर्ग ये टॉपिक है। तो लिखेंगे हम वर्ग और वर्गमूल में, अगर कोई संख्या जैसे दो है, अगर दो को वही संख्या यानी कि दो से ही गुना किया जाए, उसका जो गुणनफल होगा तो उस संख्या का क्या हो जाएगा? वर्ग कहलाएगा। आइए किसी संख्या को उसी किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे जैसे आते हैं एग्जाम्पल में, दो दो का दो गुना दो, दो का वर्ग हो जाएगा दो इक्वल दो। जैसे पांच का छह का या दस का आई बाबू, हमने आपका पढ़ा कि वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, किसी संख्या दो है, दो को दो से ही गुना करने पर, गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होती है, जो गुणनफल प्राप्त हुई यानी कि जो चार हमारा ये गुणनफल है, गुणनफल प्राप्त होता है उसे इसको उस संख्या का इस संख्या का क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसी संख्या से क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इस संख्या का वर्ग क्या हुआ? चार। उसी प्रकार हमने निकाला पांच का वर्ग क्या होगा? पांच को पांच से ही गुना कर दिए तो क्या है? पच्चीस। तो पच्चीस हमारा क्या हुआ? वर्ग हुआ। अब कह रहा है दस, तो दस को दस से ही गुना किया तो दस जो आया, दस को दस से गुना किया दस दाए के सौ, तो दस हमारा क्या हुआ? वो वर्ग हुआ। क्या? हंड्रेड। दस का वर्ग क्या हो गया? हंड्रेड यानी एक सौ। इस तरह से हम सब देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, कोई परेशानी। आइए अब आपको सिखाएंगे हम वर्गमूल। देखिए वर्गमूल किसे बनाते हैं? वो बहुत बच्चे अब जो वर्गमूल नहीं जानते हैं, वर्ग ये क्लियर है तो वर्गमूल हम जानेंगे कि आखिर वर्गमूल बनाते हैं कैसे। वर्गमूल बनाने के आसान तरीके भी होते हैं, लेकिन आपको वो हम वर्गमूल सिखाएंगे जो भाग भी देते हैं, जिसको कि आप तोड़ सके, है ना। आइए वर्गमूल कैसे बनाते हैं? वर्गमूल है ना, ये आपको हम बनाने सिखाएंगे वर्गमूल के बनाए कैसे। आइए जैसे आपका रहेगा, कहेगा चार है, चार चार का वर्गमूल क्या होगा? निकालिए चार का वर्गमूल। चार का वर्गमूल कैसे निकालेगा? भाग विधि से। देखिए चार का जो वर्गमूल निकालेगा दो से,
जैसे भाग दे कर देगा दो से, अगर दो से हम भाग देंगे चार में, अगर दो से भाग देते चार के बाद निकालना है, इसे एक से देंगे, अगर एक से देते बाय द वे एक से देते हैं ध्यान रखिए, अगर चार का वर्गमूल निकालिए एक से भाग देते तो एक को एक से एक बार में एक गुना करना, जितना से भाग देते उतना से गुना, अगर दो से भाग देता दो से गुना, तीन से भाग देते हैं तो तीन से गुना, चार से भाग देते चार से गुना, यानी कि देखिए इसे एक से भाग दे तो एक गुना एक एक तब आया तीन, तो एक तीन ही खाएगा क्या, दो से खिलाए देखते हैं, आइए दो से खिलाए, दो दुना दो दुना चार या चार लिख दे, ये आ गया कट गया हमारा दो दो या चार, जो 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 आता है वो जोड़ के लिख दे, कितना बार में खिलाते इसको ऊपर में माथा पर लिख दीजिए सर पे, उसका दो बार में खिलाते इसको ऊपर दो लिखिए, हमारा जो वर्ग मूल आया, वर्ग मूल कितना आया दो हो गया, अब आते हैं ये समझिए, अब सबसे इसका टफ आता है, इसे कहेगा दो अंक वाला पच्चीस का, देखिए जब बोल रहा है पच्चीस का वर्गमूल निकाल किस निकालेंगे, ध्यान देंगे अगर दो वर्गमूल में जब तीन अंक हो तो पहले क्या सुनेंगे, दो वाला अंक जो होगा वो क्या कर लेंगे साइड कर लेंगे ना, इसको बनाएं कैसे इसको जोड़ी लगाना होता है ना, पहले जोड़ी देखिए लग गया जोड़ी डायरेक्ट किया जोड़ी लग गया, इसको कोई दिक्कत नहीं, अगर जाता पांच छह सात आठ इससे बोलेगा कि वर्गमूल निकाल, क्या कहेंगे भाई जोड़ी लगा देंगे है ना, लगा दिए फिर अगर कर देता पांच अंक तीन चार पांच छह सात आठ तब क्या बच कहते हैं, इन लोगों की जोड़ी लगा दिए इन लोगों की जोड़ी लग गया, लेकिन ये सिंगल रह गया, तीन क्या रह गया आपका सिंगल, इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले इस ये हम तीन को इसका इलाज करेंगे ना जी, पहले इसका तीन का इलाज क्या करेंगे, किससे इलाज देंगे एक से तीन का इलाज कर देंगे, तो ये एक का तीन से इलाज होगा, उसके बाद जब भी उतरेगा इससे भागा हम बनाते थे बाबू ध्यान देखिए, जब हम भाग बनाते थे तो एक अंक उठाते थे कटने के बाद उसका काम किया करके एक बार उठाते ना एक शब्द उठाते इसे भाग लिए, पांच छह चार दो से भाग दिए, दो दुना चार बच्चा एक, तो एक शब्द अब क्या उतरेगा छ उतरेगा उतर के छ, तो लेकिन वर्गमूल में क्या है हम एक के जगह दो शब्द लेंगे, कितना दो शब्द, आइए आइए ध्यान देखिए ये सिर्फ समझा देखिए हम, अब आइए इसको देखेंगे, मैंने क्या बताया इसको जिस अंक से खिलाएंगे उसी अंक से गुना करके यहाँ खिलाना होगा, अगर तीन से खिलाते हैं तो तीन तिया नौ नौ ना चार से खिलाते चार चौकी सोलह पांच कितने पच्चीस पच्चीस पांच से हम इसको खिलाएंगे पच्चीस पच्चीस कट गया पांच पांच दस यहाँ हो गया पांच ये आता हुआ वर्गमूल, अब आइए मिटाए मिटाए चली गई तो हो गया, आइए मिटा दे, अब आते हैं तीन अंक वाला, देखिए तीन अंक वाला लेंगे चौक लाइए पतला हो गया लाइए हाँ देखिए तीन अंक बार लेंगे इसे हो गया 121, इसका निकालते हैं किसे निकालेंगे पहला संख्या क्या हम क्या बोले पहली बार पहले जोड़ा बनाएंगे क्या जोड़ा बनाएंगे जोड़ा देखिए दूर बन गया जोड़ा अब क्या बन गया एक बन गया पहले जोड़ा बनाएंगे किधर से उधर से जोड़ा बना दिया जोड़ा बनाने के बाद क्या बच गया हमारा एक बच गया पहले एक को खिलाएंगे कौन से एक से आइए एक को एक ही से खिला दीजिए एक का को एक बार पड़ेगा तो एक ही होगा तो क्या बार में पहला कितना से खिलाते एक से खिलाते एक यहाँ लिख दिए हो गया अब ये एक एक दो इधर कट गया अब उतरेगा दो पर एक इक्कीस अब कितना से खिलाएंगे अब जितना सारे खिलाते बाय द वे अगर दो से खिलाते है ना दो से खिलाए बाय द वे दो से खिलाए तो क्या करना होगा ये गुना का चिन्ह यहाँ देना होगा गुना का दो काम खिलाते यहाँ दो लिख दिए देखिए ध्यान से
ध्यान से, अगर यहाँ दो से गलती, यहाँ दो भी होगा, यहाँ भी दो, और इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना होगा। अगर तीन से खिलाते हैं तो यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, और तीन तो तीन तीन नौ, तीन दो छह, इस तरह से यहाँ 69 लिखना होगा। लेकिन वो खाएगा क्या, नहीं खाएगा तो क्या लिखेंगे जो कि खा जाए। आइए तो यहाँ हम देंगे बाबू एक, अगर हम एक से खिलाते तो ये संख्या हमारा खा जाएगा, तो कैसे खिलाएगा के? एक का को एक बार पढ़ेंगे कितना हुआ, एक, एक का का दो हुआ, दो कितना हुआ 21 हो गया एक करके। तो इधर फिर क्या करेंगे, एक एक दो, दो यहाँ है इसका दो उतार दीजिए, हो गया। अब आइए कितना से खिलाते, एक से खिलाते, यहाँ एक फिर एक माथा दे देंगे, तो कितना आया 11। अब कोई सेंटेंस बचा क्या, अब कोई अंक नहीं बचा, इसको क्या करेंगे, इसे लिखेंगे वर्ग मूल, कितना गया 11, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी, हो गई। ध्यान सीखिए, मैथ्स ध्यान से सीखा कीजिए, ऐसा कोई भी जब हम बता देंगे पूरा क्लियर कर देंगे टॉपिक को, ऐसा कोई भी यानी कि मैथ्स नहीं होगा आपसे वर्गमूल का जो कि आपसे नहीं बनेगा, कोई भी सवाल रहेगा। चलिए जल्दी कीजिए, बेटा चलाइए। अब एक और लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, इसे लेते हैं 196, ये लेते हैं 196, इसे क्या होगा वर्गमूल, मैं 196 का वर्गमूल निकाले, कैसे निकालेंगे, तो वही जो तरीका है, पहले क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे। आइए लगा दिए जोड़ा, लग गई जोड़ा, बच के क्या गई एक बचा हमारा, तो एक को खिलाएंगे, तो एक को खिलाएंगे किसी से खिलाएंगे, एक ही से, एक को एक से, एक लिखे, एक लिखे, लिख दिए चिन्ह पढ़ दीजिए, एक काम पढ़ेंगे एक बार, एक एक लिखिए कट गया, यहाँ कितना से खिलाए थे एक से, एक डायरेक्ट वहां लिख देंगे, लिखना नहीं भूलना है, बिल भूल गए खत्म है ना, एक एक पॉइंट को याद रखना है, प्रैक्टिस जैसे करते रहिएगा आपसे सारा सवाल बन जाएगा। ध्यान दीजिए एक है एक लिख दीजिए, एक और एक दो, यहाँ दो लिखिए, आइए फिर 96 को यहाँ लिखिए, ये कट गई था ना, तो ये जो जोड़ा हम लगाए थे यही जोड़ा उतरता है बाबू यहाँ आके, जब भी उतारेंगे जोड़ा ही उतारेंगे वर्गमूल में, लेकिन भाग हम क्या करते थे एक उतारते थे, उसी तरह से हम वर्गमूल में दो उतारेंगे नहीं जोड़ा उतारेंगे, तो जोड़ा हमारा क्या है 96, पहला जोड़ा 96 ये उतार दिए, दूसरा जोड़ा है ही नहीं, जब रहेगा तो उस तरह से बताएंगे इसको, तो क्या है 96 इसको उतारिए, उतार दिए। अब खिलाएंगे, क्या बताए थे अगर एक से खिलाते थे एक ही से गुना भी होगा, ऊपर भी एक नीचे भी एक है ना, अगर एक से खिलाते थे यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, और इसको गुना करेंगे एक अंक एक बार एक, एक अंक दो बार दो, और गुना करने गुना जो करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन जो यहाँ लिखेंगे उसको हम जोड़ के ही लिखेंगे। आइए मिटाते हैं, देखते हैं दो से खाता है कि दो से भी नहीं खाएगा, दो दुना ही चार हो जाएगा, यानी कि दो दुना ही चार और फिर दो दुना ही चार 44 हो जाएगा, तीन से तीन तिहाई, आइए दो पर तीन बिठाए, तीन से होगा क्या, तीन तिहाई नौ, तीन दुना ही छह 69 ही हो रहा है, फिर चार से देखते हैं दो पर दो और चार 4 4 6 16 वन बाय बचा और 4 2 8 8 1 9 96 4 बार में कट गया, कट गया। आइए चार बार मिली है ना जी, चार चार चौकी 16, 16 के 6 बच गया, एक चार दुना 8 और बच गया एक, कितना हुआ 9, 9 लिखिए कट गया। आइए चार चार 8 दुकी दुइयो, ये वो क्लियर है, अब कोई बचा ही गया नहीं बचा, 196 था सबको क्लियर हो गया, तो यहाँ क्या बचा 14 आया ना, इसका जो वर्गमूल हुआ लिखेंगे वर्ग मूल बराबर 14। चलिए नोट कीजिए, हो गया
कहीं पर प्रॉब्लम हो समझने में तो पूछ सकते हैं। पूछ रहे हैं कुछ आइए। अब क्या रहा है 169। आइए अब पूछेगा इसका वर्गमूल क्या होगा, कैसे निकालेंगे। पहले देखेंगे खिला के, पहले हम आपको क्या सिखाएं, पहले क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे। क्या जोड़ा? आसानी से जोड़ा लगाइए। लगा दिए जोड़ा। जब भी जोड़ा लगाएंगे इस साइड से लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए। क्या बचा? एक। एक को कितना खिला सकते हैं एक ही बार में? आइए एक को एक बार खिलाए तो एक से गुना भी करना होता है। एक का एक बार एक कट गया, फिर क्या होतेगा 69 लिख दिए। तो एक और एक दो हो गया। अब आइए दो का कितना बार में खिलाएंगे कि 69 कट जाए ना, तो कितना बार में? तीन बार में। देखिए नहीं तो 69 तीन तिहाई दो तीन दो नौ छ आ गया। एक बार में पहला बार खिलाते दूसरा बार तीन बार में। इसका वर्गमूल हो गया वर्ग मूल इक्वल टू 13 अर्थात 13। आइए नोट कीजिए। हो गया। चलिए एक और नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं। आइए थोड़ा सा इसे आगे बढ़ते हैं, हल्का सा है ना। जरा सा आगे बढ़ते हैं, नया थॉट लगेगा आपको कि उलझन टाइप का, वो हम आपका उलझन खत्म कर देंगे। आइए कहेगा बाबू 225 का वर्गमूल निकाले, किस निकालेगा 225 का? देखिए पहले हम क्या करेंगे, क्या सिखाए रे, क्या सिखाए, क्या कीजिएगा पहले? जोड़ा लाए, बोलता है रे। पहले हम क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, ध्यान दीजिए जोड़ा लगा दिए। जब जोड़ा लगा दिए तो क्या बचा हमारा? दो। कितना से लेंगे? एक से। कितना से? एक से। एक से आइए एक का को एक का पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा एक बार में? एक 1 2 5 1 1 2। अब क्या बचा? 1 2 5। अब किसे खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे बताइए, थोड़ा चिन्ह बड़ा कर दीजिए। हम बताए थे कि अगर इसको जिस संख्या से खिलाएंगे वही संख्या से गुना भी करनी होती है, अर्थात अगर दो से खिलाएंगे तो यहाँ दो लिखा हुआ है, दो से खिलाएंगे यानी कि यहाँ से दो से खिलाएंगे, यहाँ भी दो लिखेंगे यहाँ भी दो लिखेंगे, तो दो दुना ही चार, दो दुना ही चार 44 ही हुआ। ऐसे यहाँ पे कौन सी संख्या दे जो कि कट जाए? आइए पांच देख देखते हैं। दो पर पांच 25, अगर पांच संख्या दे तो 25 के पांच बकिया दो, पांच दुना ही 10 और 10 अब बकिया तो कितना हो गया 12। तो ये पांच से कट जाएगा, कटेगा पांच से, यहाँ पे पांच लिखेंगे यहाँ पे पांच लिखेंगे ठीक। 25 के पांच बकिया दो, पांच दुना है 10 दो 12। आइए कट गया, 5 × 10 की 0 बकिया 1 2 1 3। आइए आपका जो वर्गमूल है ये लिखाएगा वर्गमूल इक्वल टू 15 ठीक है। चलिए नोट कीजिए।
आइए हो गया बिठावे। अब आइए अगला देते हैं कुछ ऐसे संदेश नहीं है कुछ नहीं इसमें आपका वर्गमूल जो है भाग विधि से सिखाया नहीं गया लेकिन फिर भी आपको हम बता दिए आपके आगे के लिए भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा समझ गए। आइए एक वर्गमूल निकालते हैं 1 2 3 2 1। आइए बोलेगा 12321 का वर्गमूल क्या होगा कैसे निकालिएगा बताइए। इसको निकालने के लिए पहले क्या करना होता है जोड़ा। क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा लगाने के लिए देखिए तो ये दोनों जोड़ा लगा दिए लग गया जोड़ा ये दोनों क्या बच गया 1 2 3 ये बच गया फिर ये दोनों का जोड़ा लग गया फिर क्या बचा 1 बच गया खाली बच गया ना। अब आते हैं क्या करेंगे 1 को फिर भाग देंगे कितना से 1 से सिर्फ 1 बचा 1 से 1 किसमें देंगे आइए 1 1 1 का के 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा 1 1 कट गया 1 1 यहाँ लिखेंगे 2 ठीक है बड़ा कीजिए इसको। अब आइए बनाते हैं ये कट गया था पहला हम क्या बताए थे वर्गमूल में जब भी उतारेंगे कितना अंक 2 अंक उतारेंगे आइए यहाँ जो 1 से खिलाए थे पहला बार 1 लिख देंगे इसको खिलाएंगे 2 अंक है ना लिखिए यहाँ 2 और कितना खिलाना 2 अंक उतारना है लिखिए 2 पर 23। अब देखेंगे इसको हम खिलाएं कितना से फिर से आपको कितना खिलाना होगा 1 से ही खिलाना होगा 2 से खिला देते क्या आ जाएगा 44 हो जाएगा तो 1 ही से खिलाएंगे है ना। अगर यहाँ 2 ली उससे खिलाते यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो 2 2 4 2 2 4 44 हो जाता तो हम 1 से ही खिलाएंगे आइए 1 से खिलाए तो क्या हमारा 2 एकम 2 अच्छा 1 एकम 1 1 1 है कि 2 आइए 3 में से 1 गया 2 2 2 कट गया है ना तो 1 1 2 अब आ गया 2 लिख दिए। अब आइए अब खिलाइए क्या अब क्या बोले 1 अंक जब भी उतारेंगे तो 2 अंक उतारेंगे अब यहाँ से उतर गया 1 जोड़ा और 1 जोड़ा कर गया था ना तो 1 जोड़ा और बच गया तो जब भी उतारेंगे क्या होता उतारेंगे जोड़ा जब भी उतारेंगे तो जोड़ा हो गया देखिए ये जोड़ा उभरेगा 2 1 कितना खाएगा इसे 1 से यहाँ खिलाते थे 1 उतारिए अब कितना खाएगा 1 से फिर खाएगा 1 से खिलाएंगे देखिए कर गया 1 अंक 1 बार 1 1 अंक 2 बार 2 1 अंक 2 बार 2 आइए तो इसका वर्गमूल हो गया इसको जोड़ सकते हैं अभी तो जब पूरा प्रयोग कर गया इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है इसका वर्गमूल क्या होगा वर्गमूल क्या होगा 1 1 1 ये हो गया आपका वर्गमूल नोट कीजिए। और ये फ्रैक्शन से टाइम नहीं है मेरे पास समझ गया छुटका समझ आ गई बन जाएगा हो जाएगा ना ठीक फिर हम बनवाएंगे दूसरा दिन अगर जो नहीं बना तो समझ रहे ना अगर नहीं बना सोच लीजिएगा इसीलिए ध्यान से देखिए अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं जो भी पूछना है पूछना है नहीं इनमें किसी को अगर पूछना है अभी पूछ लीजिए मिटावे चलाइए
आपको करना क्या है देखिए, तो आपको एक काम करना है, वो है क्या देखिए, जैसे रहेगा वर्गमूल पहले हटाइए, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। आपको जो मैंने वर्गमूल सिखाया अब इसमें है था क्या, जैसे रहेगा एक मिनट रुकिए, और जैसे आपका चार अंक का वो उसको वर्गमूल आया था ना जी, छोड़िए उसको ध्यान से कहीं, ओहो अब वर्गमूल से गेम, अब आपका होमवर्क रख कर के लिए क्या, जैसे एक वर्ग आपका सिखाया मैंने वर्ग, आई इसको मिटा दिया क्या बन गया वर्ग बना, तो वर्ग मैंने आपको बता दिया है, आइए जैसे एक का वर्ग क्या हुआ, एक का वर्ग एक गुना एक कितना हुआ एक, दो का वर्ग यानी कि दो का वर्ग को इंग्लिश क्या बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर यानी दो का वर्ग, दो गुना दो कितना चार, इस तरह से आप कर लीजिए कहां तक, तीस तक, ठीक तीस तक करके याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ठीक। आइए अगला सीखते हैं बेटा, ये आपका हो गया वर्ग का होमवर्क, अब आइए कुछ हम आपको वर्गमूल देने जा रहे हैं जो कि आपको बनाना है एच डब्ल्यू में, देख लेते कुछ होगा तो मैं अच्छा सब देखिए, आइए एक और हम आपको सिखाते हैं वर्गमूल से, किसे रहेगा क्या गिरा दिए, लाइट भी कट गया बताइए तो क्या गिरा है कैसे गिरा है, आइए वर्गमूल का कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, वन टू टू फाइव, पहले से क्या बताते हैं जोड़ा लगा देखिए, आइए जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए जोड़ा लग गया, अब आइए बचा एक और जोड़ा, ये भी जोड़ा लग गया, अब तो कोई संघर्ष नहीं बचा, दोनों का क्या हुआ जोड़ा लग गया, आइए पहले खिलाएं कितना खिलाएं, दो से दो दुना है चार, तीन से तीन दिया है नौ, चार से चार चौ सोलह, ज्यादा हो गया ना, तो क्या करेंगे हम कम ही खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे तीन से, आइए तीन से, तो तीन दिया है नौ, कितना बचा बारह में से नौ गया, तीन तीन पर दो पांच, ये जो जोड़ा था इसको उतार दिया यहाँ पे दोनों को घटा के यहाँ तीन लिखे थे, तो तीन यहाँ था तीन यहाँ भी लिखेंगे, तो तीन और तीन कितना हो गया छह, छह लिखिए, अब कौन संख्या से खिलाएंगे आइए, तो पांच से खिलाते हैं तभी आ जाएगा ना, क्योंकि अगर दो से खिलाएंगे दो दुना चार आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे टॉपिक क्या है, यहाँ पहला अंक है पांच, तो ऐसा संख्या गुना करेंगे उतने बार जैसे पांच से खिलाएंगे, तो पचे पच्चीस ना या पांच, हम सोचे कि पांच पांच से खिलाते हैं पचे पच्चीस होता है, अगर दो सिखाए दो तो नहीं चार होगा, तो चार हमारा नहीं खाएगा, पांच से खिलाएंगे, पचे पच्चीस के पांच बकिया दो, पांच दो नहीं अरे पांच छ तीस, तीस और दो बत्तीस, ऐसा कर गया इसका वर्गमूल आ गया आपका पैंतीस, वर्गमूल इसका तो 35 आंसर, नोट कीजिए हो गया जल्दी से नोट कीजिए, आइए कुछ होमवर्क ले लीजिए आप, वो जो दिया आपका अब सिर्फ आपको होमवर्क देना है, सिर्फ और कुछ नहीं, एच डब्ल्यू वर्ग मूल निकाले, वर्ग मूल निकालाइए, पहले क्या है कह रहे हैं वर्ग मूल निकाले में, वन नाइन्टी सिक्स दूसरा बोल लिए
7, 3, 6, 1, 6, 4 इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। दूसरा तीसरा लीजिए, टू वन थ्री फोर डबल फोर। चार नंबर लिखिए। पांच सौ छिहत्तर। बारह छंद। इस पांचों का बना लीजिए वर्गमूल और आपका क्या दिया था नंबर। आइए, ये तो आपका वर्गमूल हो गया है ना। अब आते हैं वर्ग में, बारी थी एच डब्ल्यू में वर्ग में क्या दिए थे, 1 से 30 तक वर्ग लिखें और याद करें। 1 से 30 तक वर्ग लिख के आइएगा और याद करके, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपको ये जो हम सिखाए वर्गमूल, ये तो साधारण होगा। अब क्या आएगा, दशमलव वाला, है ना, दस मलब का वर्गमूल।